वेलकम टू स्टडी विथ मी। तो कैसे हैं दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप अपना और अपने पढ़ाई का काफ़ी अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। आज का सेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं डिस्कस करूँगा कि झारखंड में जो है वो नियोजन नीति को लेकर छात्र जो है वो काफ़ी समय से जो है वो विरोध कर रहे हैं, और 60-40 का जो मामला है आखिर ये क्या है जिस पर जो है वो ये पूरा विरोध जो है वो हो रहा है। और इस तस्वीर के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि छात्र जो है किस तरह से वो समय समय पर विरोध कर रहे हैं और सरकार के सामने इसका प्रदर्शन कर रहे हैं बैनर वगैरह दिखाकर। तो आज के सेशन में मैं सभी चीज़ों को एकदम डिटेल में कवर करूंगा, ताकि हर एक चीज़ आपको 60-40 क्या है हर चीज़ में आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो अंत तक बने रहिएगा, यह सेशन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है और इम्पोर्टेंट भी है। तो आइए बिना किसी देरी के आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो झारखंड में नियोजन नीति को लेकर कई छात्र आक्रोशित हैं, इसका विरोध राज्य भर में किया जा रहा है। ऐसे में सभी छात्र बस एक ही नारे के साथ अपने विरोध को आगे बढ़ा रहे हैं कि 60-40 नाए चलतो, 60-40 नाए चलतो, ठीक है, लोकल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि नाए चलतो, 60-40 एकदम नहीं चलेगा, 60-40 का जो ये प्रावधान है इसको एकदम खत्म कर दीजिए, ये यहाँ पे चलने वाला नहीं है, ये कह रहे हैं यहाँ पे। लेकिन आखिरकार क्यों है यह विरोध और क्या है 60-40 आधारित नियोजित नीति, ये सभी चीजें हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो सबसे पहले झारखंड नियोजन नीति क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। तो झारखंड की नई नियोजन नीति का विरोध राज्य भर में हर तरफ हो रहा है। कई छात्र संगठन इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। 60-40 आधारित नियोजन नीति का विरोध सड़क से लेकर सदन तक जारी है। पिछले बजट सत्र के दौरान भी बीजेपी ने नियोजन नीति का विरोध किया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्विटर अभियान, विधानसभा घेराव, मुख्यमंत्री आवास घेराव से लेकर झारखंड बंद तक छात्र इस 60-40 नाए चलतो के नारे के साथ नई नियोजन नीति का विरोध कर रहे हैं। हालांकि सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि नियोजन नीति का विरोध आखिर क्यों हो रहा है। तो विधानसभा में पारित नहीं हुई है नियोजन नियमावली, अभी भी ये मैं बता दूं कि विधानसभा में पारित नहीं हुई है नियोजन नियमावली। आपको बता दें कि फिलहाल जिस नियोजन नीति का पुरजोर तरीके से विरोध हो रहा है उसके प्रस्ताव का केवल कैबिनेट में ही मुहर लगी है। अभी तक ना तो विधानसभा से पारित हुई है और ना इसका गजट पत्र बना है, लेकिन छात्रों के बीच इस 60-40 आधारित नीति को लेकर विरोध जोरदार है। तो सबसे पहले जानने की जरूरत है कि 60-40 जो है क्या है 60-40 आधारित नियोजन नीति। तो ये है, समझ लीजिए कि EWS के आने से ये सब आरक्षण का जो दौर है इसमें EWS जुड़ने के कारण ही ये हुआ है। तो जानकारी हो कि पिछली सरकार से पहले नीतियों में या नियुक्तियों में, सॉरी नियुक्ति मतलब जो भी पोस्टिंग वगैरह होती थी, नियुक्तियां वगैरह होती थी, ठीक है, इसमें क्या होता था, बहाली जो होती थी, पोस्टिंग जो होती थी, मतलब जिस तरीके से समझे नियुक्तियां, उसमें 50% आरक्षण का प्रावधान था। लेकिन इसमें EWS के तहत स्वर्णों का आरक्षण जुड़ जाने के बाद यह 60% हो गया। मतलब समझिए कि पहले जो है वो EWS यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, एक आरक्षण, एक रिजर्व सीट का एक रिजर्वेशन और एक जुड़ गया है, जैसे ST है, SC है, OBC है, उसी तरह से EWS भी एक कैटेगरी बना दी गई। तो जब EWS से पहले आरक्षण जो है वो 50% दिया जाता था नियुक्तियों में, लेकिन EWS के जुड़ने के बाद 10% और जोड़ दिया गया, यानी टोटल अब जो है 60% आरक्षण दिया जाने लगा। यानी कि झारखंड के अंदर में जो भी नियुक्तियां होंगी उसमें 60% जो सीटें हैं उस पर जो है वो झारखंड के जो उम्मीदवार हैं उनका अधिकार होगा उसमें, और बाकी बचे 40% जो सीट है उसमें वो सबके लिए होगा, और उसमें भारत में कहीं भी रहने वाले कोई भी अभ्यर्थी होंगे वो इस 40% के दायरे में आएंगे, और इस 40% के माध्यम से उनको यहाँ पे नियुक्ति मिल सकेगी। तो ये हो गया, समझिए यही हो गया 60 झारखंड के लिए और 40 जो है ऑल ओवर सभी के लिए, ऑल इन ऑल सभी के लिए। तो यही है 60-40 का, समझ लीजिए पूरा का पूरा मामला। तो
इस EWS के आने से ये हो गया। तो ऐसे में 60% सीटों पर नियुक्तियां झारखंड के आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार की होगी, वहीं 40% सीट ओपन टू ऑल यानी सभी के लिए, मैंने वही बताया सभी के लिए है। इसका मतलब यह हुआ कि केवल 60% आरक्षित सीट ही ऐसी है जिन पर झारखंड के अभ्यर्थियों की नियुक्ति होनी है, बाकी के 40% सीटों पर किसी भी राज्य के युवा झारखंड में रोजगार जो है वो हासिल रोजगार पा सकते हैं। ठीक है, बाकी के 40% सीटों पर किसी भी राज्य के युवा झारखंड में रोजगार पा सकते हैं। ठीक है, लेकिन बात यह हो रही है, ये तो मैंने बता दिया कि 60-40 क्या है, तो क्लियर हो गया। अब छात्रों की मांग क्या है, क्यों ये विरोध हो रहा है, मतलब इसको हम लोग देख लेते हैं। तो 60-40 आधारित नियोजन नीति का विरोध कर रहे छात्रों की मांग यह है कि झारखंड में भी बिहार की तरह, ठीक है, यानी झारखंड में भी बिहार की तरह नियोजन नीति लागू हो। बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की उपधारा 85 के तहत झारखंड सरकार के पास भी यह हक है कि संयुक्त बिहार के समय का कोई भी अध्यादेश या गजट को अंकीकृत कर सकते हैं। इसी के तहत 1982 की नियोजन नीति को अंगीकृत कर बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी नियोजन की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। छात्रों की मांग पर नीति बनी तो क्या बदल जाएगा, ठीक है, क्या होगा अगर छात्रों के आधार पर नीति बनी। तो छात्रों की सलाह के आधार पर अगर नीति बनी तो नियुक्ति फॉर्म भरते समय अभ्यर्थी को अपने स्थानीय प्रमाण पत्र या स्थानीय प्रमाण पत्र की क्रमांक संख्या लिखनी जरूरी होगी। इसके तहत सारी सच्चाई निकलकर सामने आ जाएगी कि अभ्यर्थी कहाँ का खतियानी है। साथ ही मांग यह भी है कि जनसंख्या के अनुपात में सभी वर्गों के लिए जिला अनुपात में सभी वर्गों के लिए जिला स्तर पर आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा राज्य के रीति रिवाज, भाषा, संस्कृति, परंपरा पर आधारित एक अनिवार्य स्पेशल पेपर की मांग भी है। ठीक है, तो ये सारा मामला अब तक सामने आया है और इसी के कारण जो है यही 60-40 नाई चलतो के नारे जो है वो छात्रों के द्वारा हर जगह लगाए जा रहे हैं। तो इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं कि क्या है पूरा मामला और छात्र क्यों इसका विरोध कर रहे हैं। तो आई होप आपको सारा मामला क्लियर हो गया होगा। अब आपको 60-40 अगर कोई बोलता है तो आप आसानी से उसे बता पाएंगे कि आखिर क्या है, पूरा क्या है या क्यों इसका विरोध हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।